अब हम लोग बात करें गे लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। यह जो लॉ है इसके पहले हम लोग ऑलरेडी चार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें पढ़े थे कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दूसरा पढ़े थे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में हम पढ़े थे कि हम किसी भी तरीके से किसी भी सोर्स से कोई कंपाउंड प्राप्त करेंगे तो वह कंपाउंड हर एक सैंपल में एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हुआ रहता है और उसका जो एलिमेंट का जो कंपोजिशन होता है वह आइडेंटिकल होता है। जैसे मान लिया कि कोई स्टूडेंट वाटर लाया हिमालय पर्वत से, कोई लाया गंगा जल से वाटर, कोई रेन से वाटर प्राप्त करा, तो कहीं से भी वाटर रहेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ रहेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो रहेगा सब में सेम रहेगा। तीसरा लॉ हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़े थे जिसमें ये पढ़े थे कि कोई दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाता हो तो एक का फिक्स मास अदर एलिमेंट के डिफरेंट मास का जो रेशियो होता है वह सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। नेक्स्ट पढ़े थे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट या लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट और लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। यह दुख की बात है कि एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र तक नहीं किया है। अब लॉ इक्विवेलेंसी कहता है कि किसी भी टाइप का रिएक्शन हो रहा हो, किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यानी इससे यह निष्कर्ष निकला तो वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट का। इसके बाद है गे लुसाक लॉ। तो गे लुसाक लॉ स्पेशल है गैसियस रिएक्शंस के लिए। इसमें कहता है एक सिमिलर कंडीशन पर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर When ever gases react reacts to form product, जब कभी गैस जो है आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है गैसियस प्रोडक्ट the ratio of volume of reactants and products are in simplest whole number ratio
यहाँ कहने के मतलब यह है कि मान लिया कि हम नाइट्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, तो हमारा बनता है अमोनिया। यदि नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम ले और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम, तो नाइट्रोजन का 2 वॉल्यूम बनेगा। यानी यहां पर रेशियो जो है, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज 1:3:2। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, 2HCl बनता है। तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम क्लोरीन से 2 वॉल्यूम HCl बनेगा। तो यहां पर रेशियो हो गया 1:1:2 का। तो कोई भी रिएक्शन होता है, इस तरह तीसरा यदि एग्जांपल हम बात करें, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तो वाटर मान लिया कि गैसियस फेज में है। यहां पर देखेंगे कि 2 वॉल्यूम रहेगा, तो ये 1 वॉल्यूम कंबाइन करेगा, तो 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बनेगा। यहां पर 1:1:2 के रेशियो में, यानी कि जहां कहीं भी गैसियस रिएक्शन होता है तो उसका वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा, इसमें एक और चीज थोड़ा सा छूट गया है, अब है नेक्स्ट है 6 नंबर में एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है? तो ये भी एवोगाड्रो लॉ गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, या भी गैस के लिए एप्लीकेबल है, बहुत आसान है एवोगाड्रो लॉ। डिफरेंट गैस है, मानना कि एक एक लीटर के 5 कंटेनर है, एक एक लीटर के 5 कंटेनर है, और सेम टेम्परेचर प्रेशर पर एक में यदि हाइड्रोजन गैस भर दें, एक में नाइट्रोजन गैस भर दें, एक में ऑक्सीजन गैस भर दें, एक में हीलियम गैस भर दें, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम होगा, तो उसमें नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स सेम होगा, उसमें नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स सेम होगा। यहां पर क्या कहता है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लिया कि एक लीटर का एक कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, दूसरा एक लीटर का कंटेनर है, इसमें हीलियम गैस है, तीसरा भी एक लीटर का ही है, इसमें मान लिया कि अमोनिया गैस है, तीनों का एक लीटर है, टेम्परेचर मान लिया कि तीनों का है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटीएम है, तो तीनों कंटेनर में यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैसेस हैव ईच गैसेस हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैसेस हैज सेम, ये सभी में मॉलिक्यूल्स के संख्या सेम होगा, ये लॉ यही कहता है। जैसे मान लिया कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सपोज दैट मान लिया कि इस कंटेनर में 22.4 लीटर है नाइट्रोजन है, तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन एसटीपी पर हो तो एक मोल होगा, दूसरे कंटेनर है सेम है 22.4 लीटर का है, इसमें मान लिया कि हाइड्रोजन गैस है एट एसटीपी पर, ये भी है एट एसटीपी पर, तीसरा में है 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी पर, तो ये सभी में मॉलिक्यूल्स की संख्या होगा 6.022 × 10 के पावर 23 होगा। मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये लॉ कहता है बहुत आसान है, वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, तो उसमें गैस का मॉलिक्यूल्स सेम होगा। हाँ, वेट डिफरेंट हो जाएगा, वेट जो है डिफरेंट हो जाएगा तीनों में, मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होगा। तो ये है एवोगाड्रोज लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करें, वह है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, तो सबसे पहले कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, किसको कहते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब यह है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, the amount of solute present in given amount of solvent is known as concentrations of solutions. amount of solute present in given amount of solvent is known as
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दे, किसी किसी बुक में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करें एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। नंबर ए में है परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का भी कई तरीका है। इसमें नंबर एक में है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट है। परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या होता है, जैसे मान लिया कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशंस इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशंस इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे यहां पर परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना जैसे रहेगा, तो लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना रहेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशंस और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे मान लिया कि आपको निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज वेट भी लिख सकता है वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच इज प्रेजेंट फोर ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 46 ग्राम वाटर। देखिए ध्यान से, यहां पर निकालना है परसेंटेज वेट निकालना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है 46 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया
फोर प्लस 46 बराबर 15 ग्राम द परसेंटेज वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया 4/50 × 100 8%। इसी तरह से बी में हम लोग याद करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यहां पर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहां पर हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। सी में है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहां पर हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशंस इज नोन एज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 100। इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तीन तरीका हो गया। अब हम लोग बात करें बी में सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का बहुत आसान तरीका है ग्राम पर लीटर, यानी यहां पर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज नोन एज ग्राम पर लीटर। बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर और कह सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज ग्राम पर लीटर, यानी यहां पर यदि निकालना रहेगा ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर निकालना रहेगा तो ग्राम पर लीटर बराबर हो निकालना रहेगा तो क्या लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड करेंगे
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यदि इन मिलीलीटर में लेंगे तो यहां करेंगे 1000, यदि लीटर में रहेगा तो 1000 होगा। जनरली केमिकल सब्सटेंसेस 10 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर चेक कर देखते हैं तो मिलीलीटर में लेंगे तो यहां 1000 देना पड़ेगा। इस तरह से ग्राम पर लीटर में सी में है मोलरिटी, मोलरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंस है, मोलरिटी जो है इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, कैपिटल एम से। तो मोलरिटी के बारे में हम लोग बात करें, मोलरिटी किसको कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर सॉल्यूशंस इज 1 मोलरिटी, इट इज denoted by mole, it is denoted by capital M, its unit is mole per liter। यहां पर बात करें सपोज दैट वी मिलीलीटर सॉल्यूशंस कंटेन एन मोल सॉल्यूट, इसलिए 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, एन बाय वी मोल सॉल्यूट, हेंस 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, एन बाय वी इनटू 1000 मोल सॉल्यूट। यानी यहां से, यहां से मोलरिटी इक्वल टू हो गया, मोलरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनटू करेंगे 1000, यानी यहां पर एन बाय वी इंटू 1000, एन के जगह पर होता है वेट बाय मोलकुलर वेट इंटू 1000 बाय वी, वी यहां होना चाहिए इन मिलीलीटर में, इन मिलीलीटर में। तो ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। यहां पर बात करें नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलकुलर वेट। यहां पर हम लोग बात करें
वेयर कैपिटल एम इज इक्वल टू है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस, कैपिटल में मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वी इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर, और एम ओ एल डब्ल्यू टी से है मोलकुलर वेट। तो यदि यह वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे इसी में हम लोग चलेंगे मोलालिटी नॉर्मलिटी के बारे में और प्रॉब्लम बताएंगे।